जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाब की जद में है और सैलाबी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। लोग घर से बेघर हो रहे हैं, मकान, फसलें, मवेशी सब डूब गए हैं। एक तो महंगाई, ऊपर से दरिया चिनाब में इंडिया ने पानी छोड़ दिया है जिसकी वजह से दरिया के करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि नाज़रीन रोज़ बरोज़ सैलाबी सूरत हाल बढ़ती जा रही है और इमदादी कार्रवाई उसी तरह बहुत सुस्त रवि का शिकार है। सुनने में आया था कि इमरान खान साहब इस हवाले से उनका बड़ा बयान सामने आया कि फैमिलीज़ को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा जिनकी घर डूब गए। इस हवाले से इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, आपको बताते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल के नए देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आपको सबसे पहले तो ये बताते चलें कि सैलाबी सूरत हाल संगीन और बदहाली का शिकार है, इसी तरह सियासी सूरत हाल भी बहुत बदहाली का शिकार है। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से जुट गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब का सैलाबी फंड्स के हवाले से कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। सीएम पंजाब परवेज इलाही ने इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ सैलाबजदगान को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, ऐसी बात सामने, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं, ना ही कोई ऐलान हुआ, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। जैसे ही नाज़रीन इसकी किस्म की कोई अपडेट सामने आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया।